नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने घर बैठे ही अपने वाहन की आरसी को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी फोर व्हीलर, टू व्हीलर या कोई भी कॉमर्शियल वाहन है और उसकी आरसी फट गई है या पुरानी हो चुकी है, तो आप इस आरसी को दोबारा अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस आरसी को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या कोई भी थर्ड पार्टी एप्स की आवश्यकता नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार के वाहन की आरसी को अपने घर बैठे ही अपने आप स्वयं ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने वाहन की आरसी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आरसी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल ब्राउजर में आ जाना है, और यदि आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिए, आपको सारे फंक्शन सेम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्राउज़र में लिखना है parivahan.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप चाहें तो सीधे वहाँ से भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इस वेबसाइट को खोलते हैं तो हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, और यहाँ पर हमें ऑनलाइन सर्विसेज में पहले ही ऑप्शन पर लिखा हुआ मिलता है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। जैसे ही हम व्हीकल रिलेटेड सर्विस में क्लिक करते हैं, वैसे हमको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सिलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या आपको RTO सेलेक्ट करना होता है, तो आप यहाँ पर अपना RTO सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, और आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाती हैं, कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डीलर, इशू ऑफ डुप्लीकेट RC, ट्रांसफ़र टू डीलर, यहाँ पर ये जैसे ही हम इन सारी सुविधाओं को देख लेते हैं उसके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ हमें इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आप अपने वाहन का टैक्स, ट्रांसफ़र ऑनरशिप, अप्लाई फॉर फिटनेस, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ दे रखा है डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर RC प्रिंट फॉर्म 23, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। लेकिन हमें RC डाउनलोड कर लेने से पहले ये क्लियर या कन्फर्म कर लेना होगा कि हमारा क्या मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले सर्विसेज में जाइए, और यहाँ पर एडिशनल सर्विसेज में जाकर अपडेट मोबाइल नंबर कर लीजिए। यहाँ जैसे ही आप अपडेट मोबाइल नंबर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स देनी होती हैं। इनको भर लेने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर स्वतः ही यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, पूरा चेसिस नंबर और इंजन नंबर, इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है ये डेट, ये आपको सारी चीज़ें RC पर लिखी हुई मिल जाएंगी, या आपको इंजन नंबर, चेसिस नंबर आपके वाहन पर भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करते हैं और 100 डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपको पुराना मोबाइल नंबर जो भी है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, और आप यहाँ पर अपना नया नंबर अपडेट कर लीजिए। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लेते हैं, विद इन 2 सेकंड के अंदर आपका नंबर अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पे आना है, और यहाँ पर RC प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर चेसिस नंबर आपको डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इंजन नंबर डालना है, और सिंपली वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं, वैसे ही आपका मोबाइल नंबर आपके सामने शो हो जाता है, और यहाँ पर आप जनरेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। OTP पर जैसे ही आप जनरेट करते हैं, वैसे ही 2-3 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पर आपका एक OTP पहुँच जाता है। OTP सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप सबमिट करते हैं, बिल्कुल सेम हूबहू जो आपकी ओरिजिनल RC है वो आपके सामने निकल कर आ जाती है, जैसा कि आपको RTO से प्रिंट होकर मिलती है। तो यहाँ पर आपको आपके वाहन की टोटल डिटेल विद बारकोड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, या पर आप यहाँ पर इसको PDF बनाकर सेव कर लीजिए। जैसे ही आप PDF बनाकर सेव कर लेते हैं, इसको आप कलर प्रिंट कर लीजिए, और फर्दर कम्युनिकेशन के लिए जहाँ चाहें आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इस पर लेमिनेशन करा के अपने वाहन के साथ फिर से रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।